मेरा ख्याल कॉलर है हमारे साथ एक इस वक्त लाइन पर, इमरान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, ड्रॉप हो गई है, देयर वाज अ कॉल फॉर अस। अच्छा, ये आपका जो सफर शान रे, शान शहरयार खान राय जदून से शुरू होता है, शान रे की, ये क्या था? मैं बताता हूँ कुछ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने लॉ भी किया हुआ है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है विद एम्फेसिस इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। मैं स्पीचेस भी देता हूँ, नॉट अबाउट म्यूजिक, अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ इन्वेंशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जी, मेरा नाम तो शान शहरयार खान राय जदून है, मगर मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा था जी, क्योंकि मैं इंसानियत के बारे में सोचता हूँ। तो जी, मैंने पूछा मैं अपने वालदैन से और अंकल से कि जी जदून क्या नाम है। बोले जी, हम लोग तीन शाखें हैं जदूनों की, हम जदून भी हैं, गदून भी हैं, जदून भी हैं। तो मैंने बोला जी, फिर हम ये किस तरह हुआ? तो उन्होंने बोला जी, बस ये इस तरह ही होता रहता है। इसमें बोला देखें, कैन आई बी अलाउड कि मैं आपसे इजाज़त मांग सकता हूँ कि मैं तीनों नामों को एक बना दूँ? उन्होंने बोला बेटा, जो भी करना चाहते हैं ठीक है, हम तो एक ही हैं। तो मैंने जदून से जा लिया, गदून से गा लिया, और जदून से जा लिया, और दून पीछे लिख दिया। तो मैं ये वैसे बोलते हैं शान रे में जगजदून। तो मैंने अपनी सारी तीन शाखों को एक कर दिया ना, क्योंकि मैं दुनियावी जगजदून। इमरान हमारे साथ हैं सो लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, क्या कहेंगे? पहले तो मैम, आपके प्रोग्राम की बात करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी भाई, क्या कहेंगे? आज हमारे गेस्ट हैं शान रू जगजदून, सही कहा जी? हेलो इमरान। हाँ जी, कौन कहते हैं जी? हमारे गेस्ट हैं आज शान रे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और फीडबैक देने का, बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, अब आपको बड़ा पसंद करते हैं जी लोग, तभी आपको कॉल कर रहे हैं। बस मोहब्बत है लोगों की। अच्छा, अब शान, जो हम बात कर रहे थे अभी कि ये नाम आपने ले लिया, नाम के बाद बिकॉज अब जब हम बात करते हैं वेस्ट की, आप जिस जमाने में गए वहाँ पर थिंग्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम, राइट? हमारे इस हिस्से के लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा थी, हमारे वाले लोगों को वेलकम भी किया जाता था। बट बीच में जब एक इंसिडेंस हुआ और उसके बाद जो तब्दीली आई, उसने आपको मुतासिर किया, उससे आपकी एक्टिविटीज़ पर या आपकी एफिलिएशंस पर कोई फ़र्क पड़ा जी? लकली मैं खुश किस्मत हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं वैसे अंग्रेजी में सोचता हूँ 36 साल के बाद, मगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो बट आई लाइक टू स्पीक इन उर्दू इफ आई कैन, एज मच एज आई कैन, बिकॉज मैं पाकिस्तान में हूँ जी, तो क्यों नहीं जी, उर्दू में बात करूं। तो जी, 9/11 के बाद अगर आप खुद ही सोच लें कि बॉलीवुड 3.2 बिलियन उनके फैंस हैं, हॉलीवुड के 2.5 मिलियन हैं, तो लास्ट ईयर अगस्त में शाहरुख खान साहब को अमेरिका में एयरपोर्ट में उनको होल्ड, उन्होंने होल्ड किया था जी, दो घंटे, काफ़ी दो घंटे की हाँ, के लिए। वैसे जब लगता है, जैसे इंसान को जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने उनको क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला भी जी कि मैं ये हूँ, और लोगों ने वाउच भी किया जी, ये तो बहुत बड़ा दुनिया का स्टार है, मगर फिर भी उन्होंने उसको 2 घंटे रखा। क्यों रखा कि ये समझ नहीं आती, इट्स इन वेरी पुअर टेस्ट आई थिंक पर्सनली, कि जी वो इमिग्रेशन का जो ऑफिशियल था, तो वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुआ होगा किसी पाकिस्तानी के साथ या इंडियन के साथ, वो इतना उसने अपनी चीज़ की इस तरह जी, ये ह्यूमन्स में कभी आपको कोई पुलिस वाला भी मिल जाता है कि वो अच्छा भी होता है, कोई ऐसा भी मिल जाता है कोई थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, कोई मतलब कि ऐसा होता रहता है, इसका मतलब नहीं कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, मगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है, हो जाता तो इसलिए तो जी, तो मगर चक्कर ये कि 9/11 के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये सोचा है कि जी ये शायद हम सभी बम फटाते हैं, और फिर कोई चंद साल 9/11 के 4-5 साल के बाद इंग्लैंड में जाके कि बच्चों ने मतलब कि अपने को मतलब को बम बारी की, कोई ऐसी की कि वो बसें उड़ गई, लोग मर गए, तो लोगों ने समझा कि जी ये तो होम ग्रोन लोग हैं, जो वहाँ की पैदाइशी हैं पाकिस्तानी और ये इंडियन लोग, यहाँ के लोग, तो इन्होंने ये क्यों किया काम?
तो जी इससे ये हो गया कि वो हर किसी को समझते हैं कि शायद ये कोई टेरर सेल में है और ये कुछ करने वाला है, तो इससे ये हुआ है जी कि बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस बात में। तभी तो किंग अब्दुल्ला ने और पोप ने ये बात की थी 2007, तभी तो ये क्रिसमस एल्बम गाया जा रहा है। जी 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 जी, उसके लिए उसके स्क्रिप्ट बताने के लिए, क्योंकि देखें उर्दू तो मैं बात अच्छी तरह नहीं कर सकता, मतलब कि फोर्थ ग्रेड टाइप की उर्दू, मेरी अंग्रेजी जो सी है जी वो बहुत अव्वल है, मतलब कि मैं काफ़ी, मैं 21 साल पढ़ा हूँ मैं, ठीक है जी। तो जब मैं बात करता हूँ अमेरिका में, जब एक्सेंट शैक्सेंट मारता हूँ मैं, तो वो समझते हैं लोग कि जी वो यहाँ की पैदाइश है अंग्रेज हमें, और ख़ुद मैं उनको समझा देता हूँ कि जी हम भी पाकिस्तान से इंडिया के लोग कम नहीं हैं, क्योंकि कोलंबस साहब 500 साल पहले गए थे, वो हमको ढूंढ रहे थे जब उनको अमेरिका मिला था, ठीक है ना जी। तो 500 साल वो हमारे पास वो लोग आ रहे थे, तो हम लोग काफ़ी, मतलब के हमारी 5000 साल से ज्यादा की सिविलाइजेशन है। तो आपके तो, भी तो ग्रीक बैकग्राउंड रहा है ना? नहीं जी, बस यही तो बाबा हमारे मोहनजोदारो भी तो यहाँ पे है ना जी, 5000 साल से पहले। तो ये बात ये कि जी कोई किसी से ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हम सबको ये दिया हुआ है कि हम सब इक्वल हैं। राइट। अच्छा, जो मुस्लिम्स या जो ईस्ट के जो लोग हैं, बिकॉज आप जब बात करते हैं क्लोजनेस की, वननेस की, ये सारी चीज़ें जब आती हैं, तो ज़ाहिर है उधर रहने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बाहर से लोग आते हैं, और ख़ासतौर पर इस हिस्से के लोग जब वहाँ पर जाते हैं, क्या लोग उन तवक्कोआत पर पूरा उतरते हैं? Whatever, I mean, whatever they are expecting from people who are coming from east, उनको उस पर होते हैं वो लोग यहाँ से जाने वाले, या गड़बड़ होती है उनके मिजाज में, उनके बिहेवियर्स में, उनके एटीट्यूड्स में? You mean eastern के लोगों के वहाँ पे? Yes, वहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये मुझे मतलब के फील बैड होता है कि मुझे एक सैंडविच चाहिए था, तो मैं गया एक सबवे में अमरीका में। राइट। तो मैं गया तो मैं देखा कि एक पाकिस्तानी आदमी था वहाँ पे, तो मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो बोला ओ आप वालेकुम सलाम, बोला जी मुझे आप दें सदबे का सैंडविच दें, बोलते एक मिनट जी मैंने आपके लिए स्पेशल छुरी रखी हुई है काटने के लिए आपका सब सैंडविच, ये तो मतलब कि अंग्रेज़ों के लिए नहीं है, ये हमारे मुसलमानों के लिए रखी हुई है। तो उसने, मैं चुप हो गया, मैं हैरान रह गया, तो आया बोलते जी आपने, उसने बंद दिया अच्छी तरह काटा उसने, ये दीजिए बिस्मिल्लाह उसने किया, उसने मुझे दिया, तो मेरे सोचा मैं बोला यार ये देखें ये मतलब कि अमेरिका में आया हुआ है, इसको कहाँ का पानी पी रहा है, यहाँ खाना खा रहा है, तो इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे किसी गंदे लोगों में आया हुआ ही है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो ये मुझे बड़ी बात बुरी लगी। हाँ। और दूसरी बात ये कि कोई भी हमारे चंद लोग ऐसे हैं जिनकी कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, ये वो हैं, तो जब भी वो अफ्रीकन अमेरिकन आते हैं वहाँ पे, तो कभी कभी बोलते हैं उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव नहीं करते कभी कभी। ओके। तो मैंने काफ़ी उन लोगों को बोला है कि जी देखें ये अफ्रीकन अमेरिकन जो उनसे हैं, ये तो 300-400 साल से अमेरिका में आए हैं, और इनकी बैक पे, इनके पसीने पे, उस दिन खून पे अमेरिका बिल्ड भी हुआ है। बिल्ड हुआ है, तो बिल्कुल। तो उनके काफ़ी ये लोग ज़्यादा वहाँ के उन्होंने बड़ा काम किया, तो देखें ये तो, ये भी एक तो नेटिव अमेरिकन होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, और एक होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, तो जी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। तो ये तो ऐसे तो नहीं कि आप समझ रहे हैं उधर के लोग हैं। सो सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, ये गलत बात है कि अगर आप किसी और, अगर देखें यहाँ पे पाकिस्तान में कोई लोग आए, मैं नाम नहीं लेता किस कंट्री के, क्या वो शुरू हो जाए कि जी हमको अपनी कंट्री ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान ठीक है मगर हम वाली जॉब के लिए हम यहाँ पे हैं, मगर हमें कोई पसंद नहीं है पाकिस्तानी, तो हम क्या करेंगे उनका? हम बोलेंगे जी देखें पासपोर्ट लें आप यहाँ से वापस चले जाए। मगर ये है कि वो लोग नहीं करते हम लोगों को, और काफ़ी हमारे लोग एडवांटेज भी लेते हैं, तो वो देखते हैं ये चीज़ें। इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ पूछी थी कि आपका इतना अरसे का एक तजुर्बा रहा है। अभी हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।